गाइज, आई एम हेयर एट एयरपोर्ट पार्किंग. जी हाँ, मैं आ गई हूँ फिर से मुंबई. एंड आई शपथ, मैं इस बार कुछ गुम करने वाली नहीं हूँ. सो स्पेशली मनोज आए हमें पिक करने के लिए फ्रॉम बीइंग स्ट्रॉन्ग और बीइंग स्ट्रॉन्ग. सो बीइंग स्ट्रॉन्ग, जो जराई सर है, मतलब राजेश सर है, मेरी जबान फिसल रही है, हमेशा ध्यान रखते हैं. सो मैं ये व्लॉग बनाऊंगी मुंबई टू पनवेल फार्म हाउस. तो कितना टाइम लगेगा? मिनिमम 2 से 2.5 घंटा. 2 से 2.5 घंटा. तो रस्ते में वड़ा पाव, वो क्या बोलते हैं, आपको स्पेशली वड़ा पाव मिलेगा. पक्का पक्का पक्का. सो भाई, आमची मुंबई, हियर वी गो. चलो घुसो अंदर. मैं तो बोलती रहूंगी पड़ 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 पड़. सो इंडिवर है बीजी सर ने और ये चली. हाय हाय, कितने ड्रामेबाज हो ना तुम. वैसे तो नहीं खोलते कभी भी. अरे देखो देखो, किंग एंड क्वीन. ये देखो, आप मैं दिखाती हूँ आपको. ये स्पेशल यहाँ वैलेंटाइन डे पहले स्टार्ट हो चुका है. तो ये चली भाई गाड़ी के अंदर मैं. हाँ, सो हम लोग बहुत मस्ती करके जाने वाले हैं वहाँ पे. सो मैं आपको दिखाऊंगी. पनवेल इज़ वेरी ब्यूटीफुल. मैंने बहुत सुना है कि हाँ, बहुत ही खूबसूरत. सर की गाड़ी में स्पेशल चीज़ हमेशा रहती है. लास्ट टाइम जब जेशान आए थे तो मैंने इतना खा गई थी, ये पूरा आगे ही बैठती थी मैं जेशान के साथ. सो इस बार जेशान जी कहाँ पर है? आए नहीं, अभी नहीं आए हो. अच्छा, फार्म पे है वो. अरे क्या बात है, इस बार मज़ा आने वाला है फार्म पे, क्योंकि लास्ट टाइम तो मैंने मिस कर दिया था शूट का. चलो भाई, हर हर महादेव. चल, ये चली गाड़ी मुंबई से, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गाड़ी पनवेल तक. और मैं अब थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, मिलते हैं ब्रेक के बाद. सो अभी हम आए अंधेरी और शिवानी को पिक करने के लिए. सो हम लोग वेट कर रहे हैं अभी और साथ में जाने वाले हैं दीपक. थोड़ा परेशान हो रखा है क्योंकि हमारे पड़ोस में एक डॉगी है, उसका कोई बेबी ले गया है, तो वो पड़ोसियों को कॉल कर रहा था. हेलो दीपक. हेलो हेलो. सो हम आ चुके हैं, हम गलत एड्रेस पे थे, तो शिवानी थोड़ा सा आगे खड़ी हुई है. सो ये आ गई शिवानी, थोड़ी लाल पीली हो रखी है गुस्से में शायद. वेट. हेलो हेलो. हम पहले मिल चुके हैं एग्जीबिशन सेंटर में, मुदस्सिर ने मिलवाया था हमको. सो बाकी हमारे बहुत लोग कॉमन है. कैसी हो भैया? हेलो भैया, कैसे हो? सो आ गई है भाई लेडी, लेडी हमारी स्ट्रॉन्ग लेडी. हाँ, ये क्या बात है. और मैडम का आने वाला है गाना, जो कि एमडी ने गाया है, आ चुका है, लॉन्च हो चुका है. अभी जस्ट इंटरव्यू देकर ही उठी हूँ. सो गाइस जल्दी से जाओ, लिंक मैं मैम को भेज देती हूँ, जाके उस सॉन्ग को देखो. मेरा पहला सॉन्ग है. हाँ, वो भी हरियाणवी का है. हरियाणवी एमडी देसी रॉकस्टार. हाँ, देसी रॉकस्टार. सो एक रॉकस्टार यहाँ बैठे हैं और अब हमारी गाड़ी चली पनवेल को. और रास्ते में देखते हैं कहीं पे अगर मुझे मनोज का दिल किया तो वड़ा पाव खिला देना यार. चलो भाई, यहाँ थोड़ी हरियाली में अब मैं व्लॉग डालूंगी. यहाँ तो भाई मेट्रो काम चल रहा है, दिल्ली में हम तो देख देख के ही परेशान है. हम रुके हैं रास्ते में, बीच में कोई ये ढाबा टाइप्स है और मनोज जी ने बताया, मनोज भाई ने बताया कि बहुत अच्छा वड़ा पाव है. तो शिवानी ने बोला मैं सिर्फ टेस्ट करूंगी दीदी, और ये मेरे लिए देखो कितना अच्छा वड़ा पाव बना रही है. कह रही मैं आपको ना मसाला लगा के देती हूँ अच्छे से. थैंक यू. एक बाइट तो ले लेना. अभी नहीं, नहीं है. सो मनोज भैया गए थे मिर्ची लेने के लिए, तो मिर्ची नहीं है इसके साथ. और एक बाइट, एक बाइट. देखो एक एथलीट खाती हुई कितनी अच्छी लगती है. हा हा, आनंद आ गया होगा. दीपक तो मनोज भाई आप नहीं खाओगे? नहीं, मैं वहाँ पे, फार्म पे. तो अब हम बस, हमारा बीच में जर्नी रुकी है और बस इच्छा
हो गई पूरी। चलो अब हम चलते हैं फार्म पे। और मनोज भाई यहाँ से फार्म और कितनी दूर है? आधा घंटा बस। मैं तरस रही हूँ राजेश सर का फार्म देखने के लिए, आई स्वेयर। सो जी ये रहा फार्म का रास्ता, और अंधेरा था बहुत ज्यादा तो मैं आपको दिखा नहीं पाई। बहुत खूबसूरत रास्ता था, पहाड़ थे, नदी था, झरने थे। ये देखो कैसा, मतलब दिल्ली के शोर शराबे से दूर एकदम, जिसे कहते ना पीसफुल जिंदगी में जाने वाली हूँ मैं 3 दिन। आई स्वेयर आई एम सो एक्साइटेड। और जो वड़ा पाव खाया था ना वो इतना टेस्टी था, शिवानी का झूठा जो था ना वो। मनोज भैया बहरे हो गए हैं मेरी बातें सुन सुन के, वो कह रहे यार ये दीपक भाई चुप कराओ। सो अब हम जा रहे हैं। सो ये देखो कितनी एकदम प्रॉपर विलेज है ये, दिन में दिखाएंगे आपको। अभी तो ये देखो झोपड़ा झोपड़ी, और फार्म पे पहुंच के मैं दिखाती हूँ आपको। सो हम ऑलमोस्ट लाइक 5 मिनट्स में पहुंचने वाले हैं, और यहाँ देख सकते हो आप, मुझे थोड़ा थोड़ा गोवा याद आ रहा है। कैलकटा में जो मेरी नाना नानी का घर था ईच्छापुर में, वो भी ऐसी ही जगह है। बस हम आने वाले हैं। आओ तुम भी चांद पे ले जाओ। ओए होए हो रहा, लाइट दिख रही है? और मैं आपको दिखाती हूँ, देखो वो आप दूर से देख रहे हो, एक लाइट जल रही है, बहुत सारी लाइटें जल रही है। और ये देखो रास्ता फार्म हाउस का, ये अब एंट्री होती है यहाँ पे। मैं एंट्री दिखाना चाह रही थी आपको। सर का फार्म, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। दीपक लो पीछे से, मैं आप स्टोरी बना रही हूँ, पकड़ लो इसको दिखाओ। तो ये आ गए हम फार्म। सो एट लास्ट 2 घंटे 30 मिनट की ड्राइव के बाद हम आ चुके हैं जन्नत में, कॉल पनवेल। चलो सर की कार्स खड़ी है, अभी फिर दोबारा आएंगे, बताएंगे क्या है कैसा है। सर अचानक कैसे आया यार? सो ये देखिए फार्म हाउस अंदर से कितना ज्यादा खूबसूरत है। और नीचे से लेना, ये लगना चाहिए ऐसे, तो रॉक लग रहा है, ऐसे भी लगना चाहिए, बोल के चले गए। और ये रे राजेश सर एकदम, जिसे कहते हैं ना जमीन से जुड़े हुए इंसान है, ट्री है अपना पीछे, ऐसे ही सेम। सो जब हम आए तो सब वर्कआउट कर रहे थे, और आज day 1 है तो मैं ज्यादा कुछ आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि अभी रात हो गई है। ये अभी बॉन फायर की तैयारी चल रही है यहाँ पे। बेल के पुतले से 50 पेड़ होंगे। बोलो तो सही मुंह से यार, बोल मैं बोल ही नहीं पा रहा, देखो ना क्या लग रहा है इसमें। ये देखो भाई, पट्टा मार ले। सो अब हम जा रहे हैं राजेश सर के साथ नाइट सफारी में, और ये देखो, और अभी सर हमें रात को भागता हुआ तेंदुआ दिखाई, वो वाइट तेंदुआ देखना मुश्किल, इस टाइम पे तेंदुआ नहीं मिलेगा,
आपको जंगली सूअर देखने मिल जाएंगे, वाइल्ड बोर्स, आपको खरगोश देखने मिल जाएगा यहाँ पे, आपको जंगली कुत्ते, जंगली मुर्गियाँ, ठीक है। एक मिनट देखो, मुर्गी भागी, देखो देखो देख, एक मिनट लाइट बंद करो, देखिए ये देखो ये रही। हमारी जो लाइट है ना, लाइट की वजह से उनको दिखाई नहीं देता। शिवानी का रूम दिखाती हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि शिवानी और मेरी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी इसके रूम में। अब नकाशी देखो, ये देखो हमारी शिवानी, बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए हम लोग। और ये देखो सच ए ब्यूटिफुल रूम, कैसा लग रहा है मैडम? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं जन्नत में आ गई हूँ, है ना, ग्लो कर रही है मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है आके। सो लास्ट टाइम तुम जब आए थे यही रुके थे? नहीं, हम जो पहले वाला, ये सर ने भी लिया है ना। अच्छा, सो चलो आओ फिर, धूम मचाए धूम। सो रात के बज रहे हैं 1:30 और हमने बहुत अच्छा डिनर किया शिवानी, हम सब ने बहुत अच्छा डिनर किया, फुल ऑन एंजॉय किया। हाँ, फुल ऑन एंजॉय करा सर। और अब व्लॉग मैं करूँगी ख़त्म, क्योंकि मेरा दिल नहीं किया था कि मैं ऑन करूँ फ़ोन, और यहाँ ठंड लग रही है दीपक। स्टार्ट हो गए ठंड लगना, क्या हुआ? हेलो। तो भाई अब हम जा रहे हैं अपने रूम में, और अब हम कल वीडियो बनाएंगे। कौन सी वीडियो बन रही है? वो अंटा माया माया, वो क्या? नहीं 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 नहीं, काचा बादाम, काचा बादाम। चलो गुड नाइट सर। कच्चा बादाम पे वो ऐसे करता है।